मैकल का सूरमा, किस्त नंबर 17। पांच बैंकर्स के पास अब एक सूरमा भी नहीं रहा था। फिलहाल इनकी ताकत ये थी कि वो नाइट टेम्पलर्स फंड के अरबों डॉलर्स के निगरान थे। इतनी बड़ी रकम इनकी निगरानी में 12 सूरमाओं के दरमियान तकसीम होने वाली थी, और इन बैंकर्स को रकम के लेन देन में और माली मामला में हेरा फेरी में महारत हासिल थी। महारत हासिल होने के बावजूद वो दो चार सूरमाओं को अपने जेर असर रखना चाहते थे। पेशवा आजम और इसके हवारियों की कमजोरियों से यूं खेलते रहना चाहते थे। एंथोनी फोर्ड के जासूस ने इत्तला दी कि पेशवा हार्पर पर दूसरी सुबह 10 बजे की फ्लाइट से लंदन जा रहा है, और दोपहर 2 बजे की फ्लाइट से मादाम निकोली भी अपनी बेटी बोनी के साथ वहां जा रही है। ये समझने में देर नहीं लगी कि लंदन के किसी टीवी स्टेशन से नए सुरमाओं को पेश किया जाएगा। एक बैंकर गोर्डन ने कहा, हम वहां जाकर अपनी आंखों से इन सुरमाओं को देख सकते हैं और इन्हें ट्रैप कर सकते हैं। दूसरे बैंकर ने कहा, मादाम भी वहां जा रही है, इसका मतलब है पेशवा हार्पर से मामला तय कर चुकी है। हमें इसके तीन सुरमाओं पर तवज्जो देनी चाहिए, हम उनमें से किसी एक या दो को ट्रैप कर सकेंगे। तीसरे ने कहा, ना कर सके तो इन्हें अगवा कराएंगे, इनके लिए मसाइल पैदा करेंगे। पेशवा आजम को मानना पड़ेगा कि हमसे समझौता किए बगैर वो एंट्री फंड्स पर बड़ा हाथ नहीं मार सकेगा। इस दुनिया में ईदीनों ईमान सानवी हैसियत रखते हैं। मुसलस के इन तीन जावियों के दरमियान दौलत और बर्तरी की जंग जारी थी, और ये जंगी तमाशा करने वाले वो सब के सब लंदन पहुंच गए थे। पेशवा हार्बर के मुखबर जलालत की ताक में थे, उर्दन शाम और लबनान से आने वाली तमाम फ्लाइट चेक कर रहे थे। फिर एक फ्लाइट में जलालत नजर आ गया, वो एयरपोर्ट से सीधा शीटन होटल गया था। तंजीम के जासूस ने पेशवा हार्बर का ताकुब एयरपोर्ट से किया। चंद रबीस के इस्तकबाल की राय थे और इसे चेल्सी के इलाके में ले गए थे। मादाम निकोली और इसकी बेटी बोनी भी इसके साथ थी। इन सब ने फिलहाल पांच बैंकर्स को नज़रअंदाज किया था। यह तय किया था कि वो लंदन आएंगे और किसी तरह का मसला पैदा करेंगे तो इनसे निमट लिया जाएगा। दूसरे दिन एक चैनल के जरिए तीन नए सुरमा जोसेफ जैकब और दाऊद यहूदा को पेश किया जाने वाला था। अखबार और रेडियो के जरिए पब्लिसिटी की जा रही थी, और कहा जा रहा था कि मादाम नैन्सी निकोली भी अपने तीन सुरमाओं को पेश करने वाली है। तो छह सुरमा तकरीबन 20 घंटे बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले थे। इससे पहले रात ही को पेशवा हार्पर शीटन होटल आया। जलालत कमरा नंबर 606 में था। पेशवा ने इसके बंद दरवाजे को मुस्कुराकर देखा, फिर फ़ोन के जरिए से मुखातिब किया, हेलो सुलेमान, मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। जलालत ने फ़ोन पर कहा, मैं ये नहीं बताऊँगा कि अभी मैं कहाँ हूँ, आपके पास आकर मिलना चाहूँगा। वो मुस्कुराकर बोला, मैं भी ये नहीं बताऊँगा कि मैंने कहाँ क्याम किया है। तो फिर मुलाकात की जगह मुकर्रर करें। कोई जगह मुकर्रर ना करो, मैं जहाँ चाहता हूँ पहुँच जाता हूँ, अभी तुम्हारे पास पहुँच गया हूँ, अपना कमरा नंबर 606 का दरवाज़ा खोलो। वो चहककर बोला, अच्छा तो आप मेरे दरवाजे पर पहुंच गए हैं। वो हंसते हुए बोला, हाँ अभी बच्चे हो, कमान दरवाज़ा खोल दो। जलालत ने भी हंसते हुए कहा, आपको मायूसी होगी, वहाँ दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं। आपकी तरह मेरा भी ये दावा है कि जहाँ चाहता हूँ पहुँच जाता हूँ, और मैं चेल्सी में आपके अपार्टमेंट के सामने पहुँचा हुआ हूँ। वो बड़ी मायूसी से बोला, यानी हम दोनों एक दूसरे से धोखा खा गए। मैं नहीं, सिर्फ आप धोखा खा गए हैं, मैं सही जगह पहुँचा हूँ, आप गलत दरवाजे पर खड़े हैं। मैं एक घंटा पहले होटल बदल चुका हूँ। वो फिर हंसते हुए बोला, काउंटर पर पूछ लेते तो मालूम हो जाता, लेकिन आप अपने मुखबरों पर भरोसा करते हैं। 6 फ्लोर की बुलंदी पर आ गए, नीचे उतर आए, मैं ज़मीन पर मिलूंगा। वो नागवारी से बोला, क्या अभी विक्टोरिया म्यूजियम के गार्डन में मिलोगे? ज़रूर मिलूंगा, वैसे अब हमारी मुलाकात में राजदारी नहीं रहेगी। आपके मुखबर मेरे पीछे और मेरे जासूस आपके पीछे रहा करेंगे, फिर भी मैं मुहतात रहूँगा। उनका रब्ता ख़त्म हो गया। एक घंटे बाद वो म्यूजियम के गार्डन में आ गए। पेशवा ने इसके साथ एक बेंच पर बैठते हुए कहा, मैं बेंजामिन की मौत का जितना भी सदमा करूं कम है, इसकी कमी पूरी करने की फिक्र सता रही है। सोचता हूं सुरमाओं के यहाँ सिर्फ एक बेटा पैदा नहीं होता होगा, कई सुरमाओं के दो दो चार चार बेटे भी होंगे, फिर इन बेटों की औलाद भी दो चार बेटे पैदा करती होंगी। इस तरह मौजूदा सुरमा अच्छी खासी तादाद में होंगे। जलालत ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ एक घर में एक से ज़्यादा बेटा पैदा होते होंगे, सुरमाओं की अच्छी खासी तादाद होगी, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं। अगर आखिर में कमी होगी तो हम तुम्हारे बेटे अयान को बार बार सुरमा बनाएंगे। मेरे बेटे की बात ना करें, मैं इसे किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। तुम्हें एतराज़ क्यों है, जबकि मैं मुँह मांगी रकम अदा करूंगा। आप सोने का पहाड़ लाकर खड़ा कर दें, तब भी अपने अयान को उस मामले में मुलविस नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? इसने सवाल नजर से देखा। वो बोला, हम आप सभी जानते हैं कि जब 12 सूरमा यकजा होंगे और हैकल में ताबूत यहूदा दिलाएंगे तो कुछ आसानी से नहीं होगा। अरबों डॉलर्स की खातिर मुसलस के तीनों जावे एक दूसरे की मौत बन जाएंगे, जिसे नहीं मिलेगा वो भी, और जिसे थोड़ा मिलेगा वो भी आग और खून के खेल में होगा। मैं ऐसी जगह ताबूत यहूदा को अपने बेटे का ताबूत नहीं बनने दूंगा। ये बात का मसला है, हम इस पर फिर किसी पर बहस करेंगे, अभी अपने बारे में फैसला सुनाओ। मैंने छुपकर आपकी बातें सुनी थी, जब से आपकी असलियत मालूम हुई तब से समझ रहा हूँ कि आप कारोबारी पेशवा आजम हैं,
क्या बताएंगे कि अब तक वहाँ कितनी रकम जमा हो चुकी है? वो बोला, रकम की सही बैलेंस शीट इन पांच बैंकर्स की नॉलेज में रहती है। हमारा एक अंदाज़ा है कि बैंक में 200 अरब से ज़्यादा रकम जमा हो चुकी है। शाह खुदा, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन में गड़ा हुआ ख़जाना है जो बाहर निकलने वाला है। इसे लूटने के लिए आपके और बैंकर की जमीन ठनी हुई है। मादाम भी दाव पे चलाने मैदान में आ गई है। जराइम की दुनिया में ऐसी अंधी लूटमार शायद पहली बार होने वाली है। हाँ, ये मजहब की आड़ में पहली बेमिसाल डकैती होगी जिसमें डाकू भी पकड़े नहीं जाएंगे बल्कि इन्हें सर पर बिठाया जाएगा। मैं खुद को भी डाकू कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे खेल को समझ गए हो। बेहतर है अपना फैसला सुनाओ। फिर वो जलालत के बोलने से पहले बोला, वो फैसला क्या सुनाओगे? तुम्हें हर हाल में मेरे साथ रहना है। तबूत यहूदा लाते वक्त खून खराबा होगा, तुम मेरे मजबूत बाजू बनकर रहोगे। ये खूब समझते हो कि फौलाद हो, नाकाबिले शिकस्त हो। इसने कहा, जो मुआवजा मांगूंगा दे सकोगे? तुमने कहा था रकम नहीं लोगे, अरबों डॉलर्स को ठुकरा दोगे, फिर क्या मुतालबा है तुम्हारा? वो फैसला कुन अंदाज में बोला, जदीद असलाह, मिजाइल और वो एटमी और जरासीमी हथियार जो इसराइली फौज इस्तेमाल करती है। पेशवा ने शदीद हैरानी से कहा, ये सारी चीज़ें एक फौज के लिए लाजमी होती हैं, तुम ये सब लेकर क्या करोगे? मैं ये तमाम असलाह फलस्तीनियों को पहुँचाऊँगा, इनके लिए रोटी और कपड़े से ज़्यादा असलाह ज़रूरी है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, आखिर मुसलमान ही निकले। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, साहिब ईमान हूँ और रहूँगा। क्या मेरा मुतालबा पूरा कर सकोगे? ये मुतालबा नहीं, मुतालबात का गोदाम है कि इसकी कोई हद है। कितना चाहते हो? जब तक 12 सूरमा यकजा ना हो, ताबूत यहूदा हासिल ना हो जाए, तब तक फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन को ये तमाम ज़रूरी असलाह सप्लाई किया जाएगा। तुम्हारा दिमाग चल गया है? गज़ा का बॉर्डर तीन अतराफ से सील्ड रहता है, चौथी समझ समंदर है। असलाह तो क्या, दो रोटियां वहां पहुंचा नहीं सकते। क्या ये सामान तुम वहां ले जाओगे जबकि छुपते फिर रहे हो? मैंने फ़िलिस्तीन को हुब्बुल वतनी और जाबाजी दी है, कभी वहां असलाह नहीं पहुंचाया, फिर भी इसराइली जाहिरियत के रोज़े अव्वल से मुजाहिदीन को असलाह मिल रहा है। हर समझ से नाकाबंदी के बावजूद मुजाहिदीन के जवाबी हमले कैसे होते हैं, ये कभी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो तुम समझाओ ना, ये राज है, राज रहेगा। आज सिर्फ असलाह की खरीदारी के लिए रकम देते रहेंगे। क्या पता 12 सूरमा कब यकजा होंगे, मैं कब तक असलाह के लिए करोड़ों डॉलर्स देता रहूंगा। ये सोचना आपका काम है, और ये जरूर सोचें कि अगर आपसे फिर जाऊंगा तो वो बाकी पांच बैंकर्स बड़ी आसानी से मेरा मुतालबा पूरा करता रहेंगे। ऐसा ना कहो सोलोमिन। सोलोमिन नहीं, जलालत इसरार, मैं मानता हूँ तुम मुसलमान ही रहोगे, लेकिन सोलोमिन बनकर रहने और मेरे साथ देने की शर्त बहुत कठिन है। आप फिक्र क्यों करते हैं? बेंजामिन मर गया, ये समझे कि मेरा साथ भी छूट गया। आपको तीन नए सूरमा मिल रहे हैं, मादाम से दोस्ती रखेंगे तो आपके पिंजरे में छः सूरमा हो जाएंगे। प्लीज़ मेरे भरोसे को समझो, मैं सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में अपनी सलामती समझता हूँ। जब ताबूत यहूदा लाया जाएगा, आग और बारूद का खेल शुरू होगा, तब तुम ही मुझे मेरे दुश्मनों के नरगे से निकाल सकोगे। जलालत ने कहा, मैं नहीं जानता ऐसे वक्त क्या कर सकूँगा। आप मौजूदा हालात पर गौर करें, मुझे जवाब देने की जल्दी न करें। ये वादा करता हूँ आपसे मायूस होने के बाद ही इन पाँच बैंकर से रब्ता करूँगा। वो मुतमइन होकर बोला, शाबाश, तुम जितने दलेर हो इतने ही समझदार हो। कल हमारा टीवी प्रोग्राम हो जाने दो, इसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। जस्ट अ मिनट, मादाम निकोली तुमसे मिलना चाहती है, मैं इसका पैगाम पहुँचा रहा हूँ। इसे कहीं भी थोड़ी देर की मुलाकात करो, वो औरत बहुत पहुँची हुई है, तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। काम आने वाली औरत हमेशा मर्द पर हावी रहती है, और मैं किसी को सर पर नहीं चढ़ाता। कल इसे टीवी पर देखूँगा, फिर इसके मुतल्लिक राय कायम करूँगा। वो जाने के लिए उठ गया। हार्पर ने इससे मुसाफा किया, फिर वो दोनों दो मुख्तलिफ समतों में चले गए। जलालत का मुतालबा पेशवा के यहूदी मिजाज के खिलाफ था, वो मुसलमान इसराइली फौज के खिलाफ बेहिसाब असलाह तलब कर रहा था। वो भला किस दिल से इसका मुतालबा पूरा कर सकता था? कोई अपने ही घर को आग लगाने के लिए किसी को माचिस नहीं देता। वो अपने पाँव पर आग कुल्हाड़ी मारने वाला नहीं था, और जलालत का पीछा छोड़ने वाला भी नहीं था। अगर इसे छोड़ने की हिमाकत करता तो वह एंथोनी फोर्ड से सौदा तय कर लेता। वो पांचों बैंकर्स बहुत दौलतमंद थे, मजीद अरबों डॉलर हासिल करने के लिए जलालत से असलाह की खरीदारी का समझौता कर सकते थे। वो पांचों जरूरतमंद थे, बेंजामिन से महरूम होने के बाद हर शर्त पर जलालत को लपकने वाले थे, फिर इसके जरिए मजीद सुरमाओं को अपने जेर असर ला सकते थे। मादाम और बोनी निकोली लक्सरी होटल के एक कमरे में थी। पेशवा इनसे मिलने आया तो मादाम ने पूछा, क्या सुरमिन से मुलाकात हुई? वो थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठकर बोला, हाँ, इसी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या आपने कहा था कि मैं भी इसे मिलना चाहता हूँ? हाँ, वो बहुत अड़ियल है, अपने मिजाज के मुताबिक चलता है। अभी तुमसे नहीं मिलेगा, कल तुम्हें टीवी स्क्रीन पर देखेगा, फिर मिलने का फैसला करेगा। बोनी ने कहा, बहुत मगरूर है, जबकि दरबदर मारा मारा फिर रहा है, क्या वो फिर लबनान वापस जाएगा?
मदाम ने कहा, सिर्फ एक ही तंजीम इसकी पनागा है। इसने पेशवा से पूछा, वो तो आपके हाथ से गया, क्या आइंदा इसे मेरे जेर से रख सकेंगे? वो मेरा वफादार बनकर रहने की बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है। क्या इसने कोई बहुत बड़ा मुतालबा किया है? पेशवा ने कहा, वो मुसलमान है, अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। हम यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का काम करता रहेगा। वो हमारी आर्मी के खिलाफ बेहिसाब असला तलब कर रहा है। मादाम हैरान हुई, फिर बोली, मुझे हैरान होना चाहिए। वो मुसलमान है, ये कभी नहीं चाहेगा कि यहूदी सारी दुनिया के हुक्मरान बन जाए। ताबूत यहूदा ला के लाए जाने से वो पहले इस तरह गड़बड़ करता रहेगा। वो एक जरा तोकू से बोली, क्या वो जानता है कि हम नए टेम्पल्स फंड की रकम हासिल करने के लिए ड्रामा प्ले कर रहे हैं? हाँ, वो मेरे और तुम्हारे उन पांच बैंकर्स के इरादों को अच्छी तरह समझ गया है। गोनी ने पेशवा से पूछा, मेरी समझ में नहीं आता, आप इस मुसलमान को अहमियत क्यों दे रहे हैं? एक सूरमा बेंजामिन मर गया है, दूसरे को भी दफा करें, आइंदा और सूरमा आ जाएंगे। इसने कहा, हमें मसले से काम लेना चाहिए। जब तक 12 की तादाद पूरी नहीं होगी, हम सोलोमिन इसके बेटे अयान को अहमियत देते रहेंगे। जब इन बाप बेटे के बगैर 12 की तादाद मुकम्मल हो जाएगी, तो इन मुसलमानों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाएगा। मादाम निकोली ने कहा, अगर 12 सूरमा हमारी जिंदगी में न आए तो हमें अपनी जिदोजहद का सिला क्या मिलेगा? कुछ नहीं, हम खाली हाथ जाएंगे। इसके बाद हमारी औलाद हमारी तरह मुखालफिन से लड़ नहीं सकेगी। वो पेशवा की तरफ झुककर बोली, हम चालाकी और मकारी के बगैर अरबों डॉलर्स हार जाएंगे। 12 सूरमाओं को आज नहीं तो कल ही आना होगा। एंट्री फंड की रकम हमें हासिल करनी है। मैं इसे हासिल किए बगैर दुनिया से नहीं जाऊंगी। आपका क्या ख्याल है? तुम्हारा ख्याल मुनाफा बख्श है। हमारे पास 6 सूरमा हैं, बाकी 6 को हम पैदा करेंगे। दुनिया के बाजार में वो 2 नंबर माल कैश हो जाता है। हम नकली सूरमाओं को कैश करेंगे। इसके लिए एक भरपूर ठोस प्लानिंग पर अमल करना होगा। मैं पूरी प्लानिंग कर चुका हूँ। कल TV प्रोग्राम के बाद तुम मेरे अपार्टमेंट पर आओगी। वहाँ मेरे मनसूबों पर गौर करने के बाद काम शुरू किया जाएगा। वो माँ बेटी से रुखसत होकर अपने अपार्टमेंट में आया। वहाँ चंद पेशवा और रबी ड्राइंग रूम में बैठे थे। इनके दरमियान 3 बॉडी बिल्डर थे। वो जलालत और बेंजामिन की तरह फौलादी दिखाई दे रहे थे। वो तीनों पेशवा आजम को देखते पंजागा सूट के, फिर उन्होंने इसके सामने घुटने टेक कर सर झुका लिया। एक पेशवा ने इनमें से एक के शाने पर हाथ रखकर कहा, ये जोसेफ यहूदा है, ये जैकब यहूदा है और ये दाऊद यहूदा है। पेशवा हार्पर ने देखा। उन्होंने बगैर आस्तीन की बुनियादें पहनी हुई थी। इनके सीने चट्टान की तरह फैले हुए थे। बाजुओं की मछलियाँ उभरी हुई थी। हर एक के दाएं बाजू पर वैसा ही पैदाइशी निशान था जैसा कि जलालत और बेंजामिन के बाजुओं पर देखा गया था। इसने तीनों के शानों पर बारी बारी हाथ रखते हुए कहा, उठो और आराम से सोफों पर बैठो। हैगल के सूरमा यहूदी कौम के नजात दहिंदा मेरे सामने है, मैं बहुत खुश हूँ। इसे लंदन के पेशवा से कहा, आप चाहते थे मैं कल सुबह आपकी रहायशगाह में आकर इन तीनों से मुलाकात करूँ, लेकिन आप सबसे पहले ही इन्हें मेरे पास ले आए हैं। लंदन के पेशवा ने कहा, जी हाँ, कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं जिन्हें हल करने के लिए इन्हें यहाँ लाना पड़ा। हार्पर ने कहा, खुदावंद हम सब पर रहम करे, क्या मसाइल उलझाने और परेशान करने वाले हैं? जी हाँ, मसाइल सुलझाए ना गए तो उलझ सकते हैं। और गोट फौरन बताओ क्या बात है? इसने एक किस्मत उंगली उठाकर कहा, ये जैकब यहूदा, आप इन दिनों को हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ये रिकार्ड के मुताबिक हैगल के यहूदी सूरमा है, लेकिन दाऊद यहूदा ने आज ऑफ द रिकार्ड हमें अपनी असलियत बताई। अंग्रेजी और इब्रानी जुबान में दाऊद को डेविड कहा जाता है। दाऊद अरबी जुबान का लफ्ज़ है। दाऊद ने कहा, मैं डेविड नहीं कहलाता, इस्लामी मूल उर्दन में पैदा हुआ था, बचपन से दाऊद कहलाता हूँ। अब से 70 वर्ष पहले मेरे दादा ने इस्लाम कबूल किया था। मैं अपने बाप दादा के ज़माने से मुसलमान हूँ। पेशवा हारकर के दिमाग को एक झटका सा लगा। वो आंखें फाड़ कर इसे बेयकीनी से देखते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाजू पर यह पैदायशी निशान इस बात का सबूत है कि तुम हैकल के यहूदी सूरमा हो। बेशक मेरा सिलसिला नस्ब एक यहूदी सूरमा से चला आ रहा है, और ये सिलसिला हज़ारों साल से है। मेरे दादा उर्दन में पैदा हुए, वहाँ उन्होंने मुसलमानों के माहौल में परवरिश पाई, इस्लाम से मुतासिर होते रहे, फिर ये दीन कबूल कर लिया। पेशवा हार पर परेशान होकर दूसरे पेशवाओं और रबियों को देखता रहा। दाऊद ने कहा, आप परेशान हो रहे हैं, मेरे मुसलमान होने से आपको सदमा पहुँच रहा है, हौसला करें, क्योंकि एक और सदमा भी पहुँचने वाला है। इसने जोसेफ यहूदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जोसेफ नहीं है, इसका असल नाम यूसुफ हसन है, ये भी मुसलमान है। हार्पर को फिर एक दिमागी झटका पहुंचा। वो तिल मिलाकर सोफे पहलू बदलते हुए एक सीनियर पेशवा से बोला, ये क्या हो रहा है? क्या हमारी दीनी किताब हैकल के सूरमा का मजाक उड़ाया जा रहा है? कि हम सोच भी सकते हैं कि हैकल में मुसलमान सूरमा आएंगे और हमारे लिए ताबूत यहूदा लाएंगे? सीनियर पेशवा ने कहा, आप मुझसे बड़े आलम हैं, हमसे ज़्यादा दीन को समझते हैं। हम सब ने 2500 साल पहले लिखी हुई किताबें हैकल के सूरमा पढ़ी है। इस किताब में ये कहीं नहीं लिखा कि ताबूत यहूदा लाने वाले 12 सूरमा यहूदी होंगे। एक रबी ने कहा, किताब में ये नहीं लिखा गया कि 12 सूरमाओं की औलाद आगे चलकर यहूदी ही रहेगी। इस समझने की बात है कि वक्त माहौल और हालात के तहत मजहब तब्दील हो सकता है, और ऐसा हो रहा है। दाऊद और यूसुफ,
हसन से पहले एक मुसलमान सूरमा जलालत इसरार आपके साय में आकर जा चुका है। दाऊद ने कहा, वो आपका ताबेदार था, अगर आप एतमाद करें तो हम भी आपके ताबेदार बनकर रहेंगे। यूसुफ हसन ने कहा, आपकी दीनी किताब के मुताबिक 12 सूरमों की औलाद ताबूत यहूदा लाएगी और हम इन 12 सूरमों की औलाद में से हैं। आप हमारे खानदानी शजरे से और हमारे सूरमा होने से इनकार नहीं कर सकेंगे। पेशवा हार्पर ने सवाल किया, हम कैसे यकीन करें कि तुम यहूदियों की बरतरी हुक्मरानी के लिए हमारे ताबेदार बनकर रहोगे? दाऊद ने पूछा, आपने जलालत इसरार पर कैसे भरोसा किया? क्या वो आपको मुसलमान नजर नहीं आ रहा है? जलालत को हमारी बरतरी हुक्मरानी से कोई दिलचस्पी नहीं, वो एक बहुत बड़ी रकम के इवज हमारा ताबेदार बनकर रहेगा। यूसुफ हसन ने कहा, सच तो यह कि हम भी ज्यादा से ज्यादा रकम हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। दाऊद ने कहा, हमें मालूम है 12 सूरमाओं को नाइट टेम्पल्स फंड से अरबों से ही करोड़ों डॉलर्स मिलेंगे, इसलिए हम भी बहती गंगा में हाथ धोने आए हैं। एक रबी ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तुम्हें हैकल के सूरमा तस्लीम कर लेंगे? यूसुफ ने कहा, तस्लीम नहीं करेंगे तो अपने घर वापस चले जाएंगे, आप हमारी कमी पूरी करने के लिए नए सूरमाओं को इंतजार में बूढ़े होते रहेंगे। दाऊद ने कहा, कौन जानता है 12 की गिनती कब पूरी होगी, कि तब तक आप दुनिया में रहेंगे? जो 3 सूरमा मिलने वाले थे उनमें से हम 2 तो गए, सिर्फ जैकब यहूदा आपके पास आ जाएगा। हमारी अकल कहती है आप हमें हाथ से जाने ना देंगे, जितने भी आ रहे हैं इन्हें समेट कर रखेंगे। पेशवा हार पर दूसरे तमाम पेशवा और रबी धीरे धीरे में तस्लीम कर रहे थे कि जो सूरमा आ रहे हैं इन्हें आने देंगे, जाने कभी ना देंगे। हार्पर ने कहा, तुम्हारे करोड़ डॉलर्स के ख्वाब पूरे हो सकेंगे, शर्त यह कि वफादारी की जमानत दो। मुसलमान और यहूदी कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, हम तुम पर कैसे करें? दाऊद ने कहा, यही सवाल हमारा है, हम आप पर कैसे भरोसा करें कि 12 सूरमाओं के नाटक के आखिरी सीन में हमें करोड़ डॉलर्स अदा किए जाएंगे? यूसुफ ने कहा, हम सिर्फ पेश की रकम लेकर काम आएंगे, बाकी रकम डूब जाएगी तो किसी का गिरेबान कैसे पकड़ सकेंगे? हार्पर ने कहा, बेतमादी दोनों तरफ से है और हम एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी हैं, ये मसला भी फौरन हल नहीं होगा, फिलहाल हम आर्जी समझौता करते हैं। उन्होंने इसे सवाल नजर से देखा, वो बोला, जब तक हमारे दिल में पक्का मुआहदा ना हो जाए तुम दोनों खुद को मुसलमान नहीं कहोगे, कल TV स्क्रीन पर हैकल के यहूदी सूरमा बनकर रहोगे। हमारे दरमियान ठोस मुआहदा कब होगा? आज से 2 दिनों के बाद हम कोई फैसला करेंगे। दाऊद ने कहा, हम 2 दिनों तक सूरमा बनकर रहने के 2,00,000 डॉलर्स लेंगे और जब पक्के कागज पर मुआहदा होगा तो पेशगी के तौर पर 2-2 करोड़ डॉलर्स हमें अदा किए जाएंगे। हार्पर ने कहा, हम नहीं जानते ऊँट किस करवट बैठेगा, हमें किस हद तक कामयाबी हासिल होगी। एंथोनी फोर्ड्स के साथी बैंकर्स हमें एंटी फंड से महरूम करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं, लिहाजा हम इब्तदा में 2 करोड़ नहीं देंगे, तुम दोनों को 50-50 लाख अदा करेंगे। पेशवा रबियों ने कहा, यह मुनासिब है, 2 दिनों तक सोचने का वक्त है, लिहाजा भी बहस न की जाए, TV प्रोग्राम के बाद दोस्ताना मुआहदा किया जाएगा। बहस ख़त्म हो गई, वो सब वहाँ से चले गए, लेकिन पेशवा हार्पर के मसाइल ख़त्म नहीं हुए थे और बढ़ गए थे।